What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. बारिश का मौसम चालू हो गया और मॉनसून में मुझे सूप्स पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा सबसे फेवरेट सूप है मंचाओ सूप। तो आज मैं चिकन मंचाओ सूप बना रहा हूँ और बहुत ही आसान है इसे बनाना। तैयारी काफ़ी सारी होती है, कटिंग चॉपिंग, लेकिन एक बार सारी चीज़ें तैयार हो जाएँ तो बहुत ही फटाफट बन जाता है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मंचाओ सूप घर पर कैसे बनाया जाता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सूप कैसे बनता है ये वाला देख लेते हैं। तो एक वॉक को अच्छे से गरम कर लीजिए। एक बार आपकी वॉक गरम हो जाए तब इसके अंदर एक टेबलस्पून तेल ऐड करना है। तेल ऐड करके इसके अंदर 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक, 2 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन, 1/2 टीस्पून कटी हुई सेलरी या धनिए के डंठल। अब इन चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए और बस 1 से 2 मिनट के लिए आपको लहसुन और अदरक को भून लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम रफली मिंस किया हुआ चिकन है। मैंने चिकन को नाइफ से ही मिंस किया हुआ है। इसे ऐड करके आपको अच्छे से स्टर करके पकाना है। तो ध्यान दीजिए, कीमे को पका रहे हो तो अच्छे से स्टर करते रहना है और इसे चिकन को अलग अलग करते रहना, नहीं तो ये एक टिक्की जैसे बन जाएगा। तो चिकन को ऐसे स्टर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए। मंचाओ सूप में ऐसे मिंस किया हुआ चिकन जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब देख सकते हो चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। अब इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करनी है। तो 1 टेबलस्पून चॉप टमाटर ऐड कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है। साथ ही में 1/4 कप कैबेज, 1/4 कप गाजर, 1/4 कप कैप्सिकम। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ पर आपको सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब इसके अंदर मैं चिकन स्टॉक ऐड कर रहा हूँ। तो 1 लीटर चिकन स्टॉक मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आप चिकन स्टॉक की जगह पर गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट असली फ्लेवर जो है वो चिकन स्टॉक से ही आएगा। स्टॉक ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर कर लीजिए और अब इस सूप को एक बॉइल पे ले आइए। बॉइल आने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस ऐड कर रहा हूँ। डार्क सोया सॉस उतनी ही ऐड करनी है जिससे इस सूप का कलर जो है वो डार्क ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। तो उस हिसाब से सोया सॉस को एडजस्ट कर लीजिए। साथ ही में 1 टीस्पून विनेगर, चुटकी भर शक्कर, 1 चुटकी भर वाइट पेपर पाउडर, 2 हरी मिर्चों की पेस्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दो। नमक भी हल्का सा कम ही ऐड करना है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। अच्छे से सारी चीज़ों को स्टर कर लीजिए। अब सूप को हमें गाढ़ा करना है, उसके लिए एक स्लरी बना रहा हूँ। स्लरी बनाने के लिए एक बोल के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, साथ ही में 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। इस तरीके की एक स्लरी बन जाएगी। अब धीरे धीरे आपको स्लरी ऐड करनी है सूप के अंदर और अच्छे से स्टर करते रहना है कंटिन्यूसली। स्लरी आपको इतनी ही ऐड करनी है जिससे आपका सूप गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा भी आप अपने मनपसंद के हिसाब से गाढ़ा कर सकते हैं सूप को। मैंने आज टोटल 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है इस सूप को गाढ़ा करने के लिए। तो आप सूप देख सकते हैं अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। एक बोल के अंदर एक अंडा तोड़कर अच्छे से फेंट लीजिए। एक बार अंडा अच्छे से फेंट लें तब आपको इस तरीके से एकदम थिन स्ट्रीम में अंडे को ऐसे डालना है। बस अंडे को डालते ही आपको एकदम फटाफट से स्टर नहीं करना है, एकदम छोटे छोटे रेशे बन जाते हैं। एकदम लाइटली इस तरीके से स्टर कीजिए। सूप गर्म होगा तो अंडा जो है आपका पक जाएगा और इस तरीके से अंडे के रेशे बन जाएंगे। अच्छे से स्टर कर लीजिए और आपका सूप ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं बस अभी इसमें टेस्ट करके नमक और मिर्ची चेक कर रहा हूँ। ये स्टेज पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। नमक मिर्ची एकदम परफेक्ट है। अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा फ्रेशली कटा हुआ धनिया, थोड़े फ्रेशली चॉप्ड स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ऐड कर दीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए और आप अब देख सकते हैं आपका चिकन मंचाओ सूप एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी हो गया है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचाओ सूप घर पर बनाना काफ़ी आसान है। तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है लेकिन टेस्ट एकदम इनक्रेडिबल आता है। और घर पर सूप बनाते हैं तो क्वांटिटी अच्छी बड़ी बना सकते हैं और आराम से एंजॉय कर सकते हो सूप को। एज अ 1 पॉट मील इसको एंजॉय कर सकते हो और बारिशों में बहुत मज़ा आता है। तो चिकन स्टॉक मैंने यूज़ किया है। आप अच्छे से जो चिकन की हड्डियाँ होगी उसको अच्छे से 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए बॉईल कीजिए और वो वाला जो स्टॉक है वो यूज़ कीजिए। तो आपको काफ़ी हेल्दी भी बन जाएगा आपका जो सूप है। तो कोशिश कीजिए स्टॉक यूज़ करने की, फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। अब मंचाओ सूप के ऊपर फ्राइड नूडल्स डालना तो बहुत ज़रूरी है। फ्राइड नूडल्स फटाफट से बना लेते हैं, देख लेते हैं कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से नूडल्स को बॉईल किया हुआ है। आप जितने नूडल्स को बॉईल करके फ्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए और तेल के अंदर अभी केयरफुली थोड़े थोड़े करके नूडल्स ऐड कीजिए बॉईल किए हुए। तेल की जो कढ़ाई है काफ़ी बड़ी लीजिए। नूडल्स ऐड करते ही तेल फटाफट से ऊपर आता है तो ध्यान दीजिए तेल पूरा बाहर निकल सकता है। तो थोड़ा थोड़ा नूडल्स ऐड करना है। एक बार आपने नूडल्स ऐड कर दिए, स्टर नहीं करना है, इसको ऐसे ही फ्राई होने दीजिए हाई फ्लेम पर जब तक ये सेट नहीं हो जाते हैं।
एक बार नूडल्स सेट हो जाएं इस तरीके से, तब आप एक चिमटे की मदद से इसको ऐसे पलटा सकते हैं। एक दो बार पलट कर एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं, तब तक आपको नूडल्स को फ्राई करना है। और आप ये देख सकते हो हमारे नूडल्स फ्राई हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। इन्हें अभी एक छन्नी में ट्रांसफर कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, तेल भी जो एक्सेस है वो निकल जाएगा। एक बार ये ठंडे हो जाएं, तब इस तरीके से आपको इन्हें अलग अलग कर लेना है और थोड़े छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। और हमारे फ्राइड नूडल्स रेडी हो गए। तो फ्राइड नूडल्स भी इस तरीके से आसानी से बन जाते हैं। आप बॉइल्ड नूडल्स के ऊपर थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च भी लगा सकते हो और फिर भी फ्राई कर सकते हो, वो भी एक तरीका होता है। तो हमारी दोनों चीजें अभी रेडी हो गई हैं, अभी इन्हें प्लेट कर लेते हैं वाफल स्टाइल। मनचाओ सूप हमारा बहुत ही डिलिशियस बना है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, और बहुत मज़ा आएगा आपको ये मॉनसून के मौसम में सूप पीने में। वेजिटेरियन वर्जन अगर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है वो रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी मॉनसून सीजन में, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ आपको रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटिफुल चिकन मनचाओ सूप recipe at your home during these monsoons. Cheers.